नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर उमा श्री और मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूं। अक्सर लोग शादी के लिए जब रिश्ते देखने जाते हैं तो लड़का लड़की कितने पढ़े लिखे हैं और उनका फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, घर का वातावरण कैसा है, कोई ऐप तो नहीं है, कोई ड्रिंक तो नहीं करता, लड़की का चरित्र तो सही है, वर्जिन तो है ना, तो ये सारी चीज़ें देखते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो देखनी ज़रूरी होती है और उन्हीं में से एक है जो बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिर भी बोलूँगी ये वीडियो आपको विचलित कर सकती है। ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो ज्योतिष और स्पिरिचुअलिटी में भरोसा करते हैं। जो लोग इससे परे हैं तो वो इससे परे ही रहें, बचे रहें तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि ज्योतिष में इन्वॉल्व होंगे तो ज्योतिष के नियमों को भी मानने को आपको विवश होना पड़ेगा। तो इसलिए यदि आप इसमें बिलीव नहीं करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है, आप अपना बहुमूल्य समय बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। मित्रों, मैं आपको वही चीज़ बताने जा रही हूँ कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, ये आपको बताने जा रही हूँ। पिछले दिनों एक अजीब सा केस आया, एक लड़का विवाह के बाद कुछ ऐसे धर्म के नामों का उच्चारण कर रहा था जो कि उसके धर्म के नहीं थे। यहाँ मैं धर्म की बात नहीं कर रही हूँ, सभी धर्म बहुत महान है, मैं उनको श्रद्धापूर्वक नमन करती हूँ। और ये जो धर्मों पर विश्लेषण नहीं हो रहा है यहाँ पर सिर्फ जो एक केस आया था उसके बारे में बात कर रही हूँ। सभी धर्म के लोगों को मैं प्रणाम करती हूँ और सभी का सम्मान करते हुए आज का वीडियो बना रही हूँ। तो मित्रों, वो जिस धर्म का था दूसरे धर्म के नाम का उच्चारण कर रहा था, ऐसे में घर वालों को संशय हुआ कि भाई क्या बात है, क्यों ये दूसरे धर्म के नाम का उच्चारण कर रहा है। जब उसके मूल में जाके बहुत से तांत्रिकों ने जाकर जब जांच वगैरह की तो पता चला कि उस पर किसी का साया था। उसने जब उस लड़के से बात की तो उसने स्वीकारा कि उसने किसी धर्म स्थान पर शौच किया था, मूत्र किया था और उसके परिणाम स्वरूप कोई आत्मा उसके भीतर प्रवेश कर गई थी। लेकिन फिर भी मैं ये बोलूँगी कि जो लोग विज्ञान में बिलीव करते हैं और जो लोग इन चीज़ों में नहीं मानते हैं तो वो हम उनको फोर्स नहीं कर रहे हैं कि हमारी दलील माने। हम अपने ज्योतिष और स्पिरिचुअलिटी के आधार पर जो हमने ज्ञान अर्जित किया है और जो अपना अनुभव प्राप्त किया है उसके वो बातें हम आपसे शेयर करते हैं। बाद में उस युवक का ट्रीटमेंट किया गया और उसको इससे मुक्ति मिली। इसी प्रकार से एक केस मेरे पास काफ़ी पहले आया था जिसमें कि एक महिला ने स्वीकार किया कि जिस दौरान वो हॉस्टल में रहा करती थी उस दौरान उसमें 3 आत्माओं ने प्रवेश किया। उसने ये भी स्वीकारा कि उस दौरान वो काफ़ी नेगेटिव हो गई थी और उससे पहले भी वो लेडी काफ़ी नेगेटिव थी, दूसरों के लिए भल मनसाहत उसके मन में रत्ती भर भी नहीं थी। किसी पर पैसा खर्च करते हुए इसको बहुत बुरा लगता था, तो ये कारण था कि उसके भीतर कुछ नेगेटिव आत्माओं ने प्रवेश किया। आत्माएं सुगंध के जरिए भी प्रवेश करती हैं, भोजन के जरिए भी प्रवेश करती हैं, बहुत तरीके से प्रवेश करती हैं। तो जब विवाह के समय मैच मेकिंग किया जाए तो इसके बारे में भी एक विचार करना ज़रूरी है। अब आप लोग कहेंगे तो क्या तांत्रिक से जाँच करवाएँ, जिस तरह से आप कहते हैं ना कि कुछ टेस्ट भी करवाने चाहिए जिससे कि फर्टिलिटी का पता चले, जब शादी के बाद संतान नहीं हो पाती है तो वर वधु मतलब लड़का लड़की को काफ़ी दिक्कत आती है, तो कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली काफ़ी दिक्कत में होती हैं और वो कहना आसान है, करना बड़ा मुश्किल होता है और बड़ी जटिल प्रक्रिया। और हमारे आज के समाज में इन चीज़ों के बारे में अगर आप बात करेंगे तो लोग शायद बहुत आसानी से इन पर सहमत भी नहीं होंगे। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ कुछ बातों के ज़रिए आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस लड़के के बारे में। अब एक चीज़ और बोलूँगी, अकारण किसी पर संशय और ना करें और किसी प्रकार का भ्रम ना पालें। सिर्फ आपको एक मूल्यांकन भर करना है, उससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि भूत प्रेत की बात को परे रखें तो आपको उसकी नेगेटिव सोल का पता चल जाएगा, क्योंकि कोई भी जीवन सुखमय बनाने के लिए पॉजिटिव सोल होना बहुत ज़रूरी है और नेगेटिव सोल और किसी नकारात्मक आत्मा का प्रवेश होना एक ही बात है। तो इसलिए इस प्रकार से आपकी द्वारा ये भी जाँच हो जाएगी। और हम तो वैसे कुंडली को देख कर ही काफ़ी कुछ पता लगा लेते हैं, लेकिन फिर भी हाव भाव के जरिए भी काफ़ी कुछ पता चल सकता है। तो वर और वधु जब आप तय करें, मतलब लड़का लड़की का विवाह आप तय करें, तो इस पहलू पर भी ज़रूर विचार करें कि कहीं किसी का कोई गलत जगह पैर तो नहीं पड़ गया है। क्योंकि अधिकांश केसों में घर के जब शादी हो जाती है तो बहुत से केसेस में जब वर वधु के बीच में संबंध स्थापित नहीं हो पाता, जैसे ही वो बेडरूम में जाते हैं उठा पटक चालू हो जाती है, लड़की पति को पास ही नहीं आने देती, पति पत्नी को पास नहीं आने देता, वो किसी और के ख्यालों में ही गुम रहता है। तो इन सब चीज़ों के पीछे स्पिरिचुअलिटी पॉजिटिव नहीं नेगेटिव वाली बात कर रही हूँ। पॉजिटिव स्पिरिचुअलिटी तो बहुत अच्छी चीज़ होती है, लेकिन नेगेटिविटी भी होती है इस रूप में और उसके ज़रिए ही संबंध बिखर करते हैं, टूटते हैं और परिणाम यह होता है कि विवाह संबंध बिल्कुल बिखर कर रह जाते हैं। तो ये स्थिति ना आए उससे पहले इस पहलू पर भी जरूर विचार करें। आज का वीडियो समाप्त करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।